महापार्श, भ्राता लंकेश वानरों के समीप पहुंच रहे हैं, वे संकट में घिर सकते हैं। देखो, वानरों में भी हलचल मच रही है। हमें अपनी रक्षा सेना के साथ किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सजग रहना होगा। कुंभकर्ण, मेरे अनुज, कितनी व्याकुलता से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शीघ्र बताइए भ्राताश्री, ऐसा कौन है जिसके कारण लंका संकट में है? आपके इस अनुज का ये धर्म है वो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री की आज्ञा का पालन करे। जाएगा कुंभकर्ण इस युद्ध में और उस नर और उसकी वानर सेना को चीटियों की भांति मसल कर रख देगा। कल का सूर्योदय विनाश का अंधकार लेकर आएगा उस नर और उसकी वानर सेना के लिए। ये यहां युद्ध करने नहीं, कुंभकर्ण की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आकाश फट सकता है, पृथ्वी पलट सकती है, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर यमलोक नहीं जा सकते। हे महाशक्ति पुंज कुंभकर्ण, रावण का बल थे तुम, मेरा दाहिना हस्त थे तुम कुंभकर्ण। इस प्रकार मुझे अपंग बनाकर चिरनिद्रा में कैसे लीन हो सकते हो तुम कुंभकर्ण? संसार को एकाकी ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाले कुंभकर्ण, तुम कैसे समाप्त हो सकते हो? समाप्त नहीं हुए हैं ये, प्रभु श्री राम के बाणों द्वारा मुक्ति मिली है इन्हें। इसी बात का भय था मुझे, आपको भी चेताया था मैंने, किंतु आपने धक्कार कर मुझे निकाल दिया। अपने नहीं अपनों के प्राण हरे हैं, पर वो अपना तुम ही हो द्रोही भाई विभीषण। तुम्हारा वध तो उसी समय कर देना चाहिए था जब तुम उस वनवासी की शरण में जा रहे थे। मेरा भाई कुंभकर्ण मृत पड़ा है और तुम अब भी जीवित हो। विलंब से ही सही, परंतु अपनी भूल का सुधार करूंगा मैं तुम्हारा अंत करके। रुक जाओ रावण। अंत कर देंगे राक्षस राज रावण का। हाँ, मार डालो इसे यहीं। मार दीजिए इसे, अंत कर दीजिए इसका। हम पूर्णतया सजग हैं आक्रमण के लिए। अंत कर दीजिए हनुमान जी इसका। हाँ, मार डालिए इसे। रुक जाओ, अंत कर दीजिए इसका। रावण अपने भाई की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया है, ऐसे में इस पर आक्रमण करना अनुचित होगा। हाँ, हनुमान का कथन पूर्णतया नीति संगत है।
दशानन शोक की अवस्था में है, ना कि युद्ध की अवस्था में। रावण, वीर गति प्राप्त हुई है कुंभकर्ण को। मरणोपरांत जो सम्मान एक महान योद्धा को मिलता है, उसका अधिकारी है ये। यदि तुम इसी उद्देश्य के साथ यहां पर आए हो तो पूर्ण सम्मान के साथ कुंभकर्ण का शीश यहां से ले जा सकते हो। तुम्हारे महाबली भाई की मृत्यु हुई है, दारुण दुख है ये तुम्हारे लिए एवं तुम्हारे परिवार के लिए। इसका विधिवत अंत्य संस्कार करो। मैं तत्काल युद्ध के लिए दबाव भी नहीं डालूंगा। इसकी अंत्येष्टि के लिए कल हमारी ओर से युद्ध विराम होगा। परंतु रावण की ओर से कोई विराम तब तक नहीं होगा जब तक तुम सबके जीवन पर पूर्ण विराम नहीं लग जाता। प्रभु की उदारता के लिए इन्हें धन्यवाद तो दे दो रावण। तुम शत्रु हो फिर भी इन्होंने तुम्हारे दुख को समझा है, तुम पर दया दिखाई। दया, दया के पात्र निर्बल होते हैं वानर, और रावण निर्बल नहीं है। रावण के हृदय में तुम सबके प्रति दया नहीं, घृणा है, घृणा। तो शीघ्र तुम सब पर मृत्यु बनकर टूटेगी। कुंभकर्ण की अंत्येष्टि के लिए आपने जो उदारता एवं सहजता दिखाई है, मैं उसके लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भ्राता कुंभकर्ण के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए लंका जाना चाहता हूं। विभीषण जी, वहां जाने से आपके जीवन को संकट हो सकता है, किंतु अपने भाई की अंत्येष्टि में ना जाना भी तो विभीषण जी के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक होगा। समस्त परिवार के समक्ष भ्राता रावण मुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे, बस आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। ये आपका अधिकार है महाराज विभीषण, भला मैं आपको कैसे रोक सकता। परंतु लंकेश रावण से अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान रहिएगा। कुंभकर्ण मेरे पुत्र, संभालिए स्वयं को। कैसे संभालूं मैं स्वयं को।
पिछली चिता मेरे पौत्र अक्ष कुमार की थी। उसी समय मुझे आशंका हो गई थी कि अगली चिता मेरे किसी न किसी पुत्र की ही होगी, किंतु वो पुत्र मेरा ये महाबली कुंभकर्ण होगा। इसकी तो मैंने कल्पना तक नहीं की थी। विशाल, तुमने यहां आने का दुस्साहस कैसे किया? अभी इसी क्षण चले जाओ यहां से, अन्यथा एक भाई के साथ ही दूसरे भाई की भी मृत्यु शैया अविलंब सज्जित कर दूंगा मैं। जाओ और बताओ मेरे भाई का वध करने वाले उस वनवासी को कि सज्जित हो जाए वो रावण के महाकोप का सामना करने के लिए। बस रावण, उस वनवासी ने नहीं किया है मेरे पुत्र का वध, तुमने रावण, तुमने किया है मेरे पुत्र का वध। तुम्हें सबने समझाया था, कहा था सौंप दो सीता को, संधि कर लो राम से, किंतु तुमने किसी की नहीं मानी। सुख की नींद सोया था मेरा पुत्र कुंभकर्ण, तुमने असमय जगाकर उसे काल के मुख में डाल दिया। रावण, तुम्हारे पापों का दंड भोगा है इसने। तुम्हारी माँ मूर्छित पड़ी है, अपने पुत्र के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई वो। रावण, एक पुत्र के लिए निकलने वाले अश्रु कहीं दूसरे पुत्र के लिए हाय ना बन जाए। महाज्ञानी हो ना तुम रावण, इतना तो ज्ञान होगा ही तुम्हें कि एक माता पिता के संतप्त हृदय से निकली हुई हाय सर्वनाश कर सकती है। सर्वनाश होगा, उन नर और उन वानरों का सर्वनाश होगा। अब तो ये मिथ्या दंभ छोड़ दो रावण, अभी भी समय है, रोक लो ये विनाश। इस युद्ध विराम के अवसर का लाभ उठाकर जाओ और श्री राम से क्षमा मांग कर सीता को ससम्मान सौंप दो। महाराज लंकेश, एक अशुभ समाचार है। राजकुमार निरांतक वानरों का नाश करते हुए तीव्रता से वानर राज सुग्रीव की ओर बढ़ रहे थे, किंतु अंगद से हुई मुठभेड़ में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और महाराज, उस महाबली वानर हनुमान ने राजकुमार देवांतक का वध कर दिया। और महाराज, महोदर और महापार्श्व नल और नील के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ चुके हो तुम रावण। अन्याय, अधर्म, अनीति तो जैसे तुम्हारे स्वभाव ही बन चुके हैं। अन्याय, अनीति, अधर्म, इन सब का युद्ध में कोई अर्थ नहीं। विजय ही एकमात्र धर्म है युद्ध का। बस रावण, बस, और कितनी बलियां चाहिए तुम्हारे इस दंभ को टूटने के लिए? अपने एक पुत्र और एक भाई के पश्चात नरांतक, देवांतक, महोदर और महापार्श्व भी तुम्हारी इस दंभ की भेंट चढ़ चुके हैं। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि किस महाकाल से शत्रुता मोल ली है तुमने? महाकाल का भी काल है रावण, अब तो स्वयं ब्रह्मदेव भी उतर आए, तो नहीं समझा सकते इस रावण को। मैं अपने महाबली भाई के वध का प्रतिशोध लूंगा। अब मेरे परिजन, मेरे सभी योद्धा,
या तो रणभूमि में लड़कर मरेंगे या विजय श्री प्राप्त करके मेरे प्रतिशोध को पूर्ण करेंगे। मेरे परिजन, मेरे सभी योद्धा या तो लड़कर मरेंगे या विजय श्री प्राप्त करके मेरा प्रतिशोध पूर्ण करेंगे। कौन बचा है जो इन नर वानरों की टोली से मेरा प्रतिशोध ले सके? प्रभु, सब तो समाप्त हो चुके हैं, अब सिर्फ रावण और मेघनाद ही शेष बचे हैं राक्षस योद्धाओं। किंतु वो दोनों शक्ति में सहस्त्रों महाबली योद्धाओं से भी अधिक बलवान हैं। हमें उनकी संयुक्त शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य हमें परास्त करने के लिए कोई महाविनाशकारी योजना बना रहे होंगे। पिताश्री, ये दीपक मेरी जीवन ज्योति के रूप में प्रज्वलित है और आपका इस दीपक के निकट आने का अर्थ मैं भली भांति समझ सकता हूं। मुझे रणभूमि में जाना होगा। अब तुम वहां जाकर क्या युद्ध करोगे मेघनाथ? रहने दो। क्यों पिताश्री, क्या आपको मेरी शक्ति पर तनिक भी विश्वास नहीं रहा? असफल। प्रत्येक बार असफल ही हुए हो तुम। अपनी शक्तियां तक खो दी तुमने। अशोक वाटिका में उस तुच्छ वानर पर चलाकर ब्रह्मपाश खो दिया, उस नर और उसके हनुमान पर चलाकर नागास्त्र समाप्त कर दिया। अब जितनी भी मायावी शक्तियां शेष बची हैं तुम्हारे पास, उससे क्या सामना कर पाओगे उन नर और वानरों का? मुझे कदापि हतोत्साहित न समझे पिताश्री। आपके ही भांति प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में भी धधक रही है और आपका विश्वास पाने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है ये मेघनाथ कुछ भी करने के लिए। कुछ भी? हां पिताश्री, कुछ भी जिससे आपको प्रसन्नता हो। ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, उसका प्रयोग करो। यदि मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो सर्वप्रथम यह अंतरिक्ष की ओर जाएगा, जहां नौ ग्रहों के संपर्क में आकर यह ब्रह्मास्त्र और भी अधिक घातक व शक्तिशाली अस्त्र बन जाएगा। तत्पश्चात धरती की ओर तीव्र गति से लौटने वाला यही शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र धरती से टकराकर महाविनाश मचा देगा। किंतु पिताश्री, ब्रह्मास्त्र तो किंतु परंतु का समय नहीं है अब। मैं ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकता, किंतु तुमने इसे सिद्ध किया है। ये महास्त्र एक बार में ही हमारी पराजय को विजय में परिवर्तित कर सकता है।
तुम इसका संधान करो, चला दो नरों वानरों पर, जिससे सब एक साथ समाप्त हो जाए, एक बार में ही सब यमलोक पहुंच जाए और हमारी विजय हो जाए। रावण ने युद्ध विराम तोड़ा है। युद्ध के नियम और नीति का उन राक्षसों के लिए कोई अर्थ नहीं है। वो पुनः किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। अब मात्र रावण और मेघनाद ही शेष हैं पूरी राक्षस सेना में। अतः हमें पूर्णतया सज्जित और सतर्क रहना होगा। स्वार्थ और अहंकार व्यक्ति के सत्य को पहचानने की शक्ति क्षीण कर देता है।